शुरू करते हैं इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स के साथ। सबसे पहले हमें चाहिए पनीर के क्यूब्स, कुछ ब्रेड स्लाइसेस, एक छोटा टमाटर, 1 एवोकेडो, कुछ कोरिएंडर लीव्स, गरम मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट एंड चॉप ग्रीन चिलीज। उसके बाद हमें बहुत छोटा सा एक टेबलस्पून ऑयल चाहिए और थोड़े से क्यूमिन सीड्स चाहिए। और थोड़ा सा ऑयल और मैंने लिया है जिससे हम ब्रश करेंगे अपने ब्रेड रोल्स को। और फिर थोड़ा सा पानी चाहिए। रेसिपी को स्टार्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक एवोकेडो को लिया है जिसे मैं इस तरीके से कट कर रही हूँ। आप तरीका देख सकते हैं और बिल्कुल इसी तरीके से बहुत आसानी से कट हो जाता है। जो इसकी सीड है उसे हम निकाल देंगे और चम्मच के थ्रू हम इस एवोकेडो की स्किन में से एवोकेडो को स्कूप आउट कर लेंगे। अच्छे से स्कूप आउट करिएगा क्योंकि हर एक जो पोर्शन है एवोकेडो का वो न्यूट्रिएंट से पूरा लोडेड होता है। तो अच्छे से इसे स्कूप आउट करें और एक अलग से बाउल में निकाल लें। और अब हम इस स्मॉल टोमेटो को कट कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में और इसको भी हम साइड में रख लेंगे कट करके। फिर हम ये पनीर के क्यूब्स ले रहे हैं जिसको हम मैश करेंगे। और मैंने अभी जो पनीर के क्यूब्स है अराउंड 16 पनीर के क्यूब्स है जिनको मैंने मैश करा है, पर मैं सिर्फ 10 पनीर क्यूब्स इस रेसिपी में यूज़ करूँगी। बाकी का मैंने पराठा बनाने के लिए यूज़ कर लिया था, तो आप इस रेसिपी के लिए सिर्फ 10 पनीर क्यूब्स का ही यूज़ करें। नेक्स्ट हमने जो एवोकेडो रखा हुआ था उसे हमने मैश कर लिया है एक फॉक के हेल्प से। और अब हम एक फ्राई पैन में या छोटे से एक पैन के अंदर हमने वो 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है छोटा वाला, और उसके अंदर मैंने क्यूमिन सीड्स डाले हैं और ग्रीन चिलीज डाली हैं। ग्रीन चिलीज को मैंने इसलिए ऑयल के अंदर टेम्पर करा है ताकि उसका जो चिल्ली वाला फ्लेवर है, जो स्पाइसीनेस है, वो थोड़ी सी काम डाउन हो जाए। लगभग 1 मिनट के बाद मैंने इसके अंदर जो कटा हुआ टमाटर था वो इसमें डाला है और उसे हम थोड़ा सा मूशी होने तक या पकने तक पकाएंगे। अगर आप इस तरीके का टेम्परिंग इसके अंदर नहीं देना चाहते हैं तो आप टमाटर और ग्रीन चिलीज़ को आप रॉ भी अपनी रेसिपी में डाल सकते हैं और उसके बाद रेसिपी में क्यूमिन सीड्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर क्योंकि मैं कुछ इसमें इंडियन फ्यूजन करना चाहती थी तो मैंने ये इस तरीके से करा है ताकि जो टमाटर का जो टैंगीनेस है वो भी रेसिपी के अंदर अच्छे से चला जाए। अब हम इसे मिक्स करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। जो एवोकेडो हमने मैश करा हुआ था उसके साथ हम मैश्ड करा हुआ पनीर जो है वो इसमें डालेंगे। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं सिर्फ आधा ही यूज़ करूँगी, तो मैंने उसमें सिर्फ आधा ही पनीर क्यूब्स मिलाया है और जो क्वांटिटी है एवोकेडो और पनीर की वो ऑलमोस्ट इक्वल है। तो उसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर ये ड्राई स्पाइसेस डालेंगे, सॉल्ट, ब्लैक पेपर और गरम मसाला और अपना कोरिएंडर लीव्स। डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। और मिक्स करने के बाद जो ये मसाला जो हमने तैयार करा था वो ठंडा हो गया है और इसको भी हमने इसके अंदर मिक्स कर दिया है और इसे अब हम साइड में रख लेंगे। अब ब्रेड रोल्स के लिए तैयार करने के लिए हमने ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं और मैं उनके बॉर्डर्स को हटा रही हूँ। बॉर्डर्स का हम यूज़ ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए कर सकते हैं। आप मेरी रेसिपी देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ब्रेड क्रम्स के लिए। और ये देखिए, इस तरीके से हम सारे ब्रेड के टुकड़े काट लेंगे और उसके बाद हम इसे रोल आउट करेंगे। मैं यहाँ पर दो तरीके से दिखा रही हूँ। एक आप प्लेनली रोल आउट कर सकते हैं ब्रेड को और दूसरा आप इसके ऊपर कुछ भी अपनी टॉपिंग्स डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कोरिएंडर लीव्स और ब्लैक पेपर की टॉपिंग डाली है। अगर आप चाहें तो आप ड्राइड ओरिगैनो यूज़ कीजिए, पार्सले यूज़ कीजिए या बेसिल यूज़ कीजिए, जो भी आपका मन करे आप उसे यूज़ कीजिए। और इसी तरीके से हम सारे के सारे जो ब्रेड के स्लाइसेस थे उन्हें रोल आउट कर लेंगे। और अब जो ये फिलिंग हमने तैयार करके रखी हुई है इसे हम लेंगे और अब हम अपने ब्रेड रोल्स बनाना तैयार करेंगे। यहाँ पर हम जो ये ब्रेड के स्लाइसेस हैं उसको मैंने थोड़ा सा तवे के ऊपर दोनों साइड से हल्का सा टोस्ट करा है ताकि जो कच्चापन है ब्रेड का वो निकल जाए। वो जो वीडियो सेगमेंट था वो मैं इसके अंदर ऐड करना भूल गई हूँ इस वीडियो में। तो प्लीज़ आप तवे के ऊपर दोनों तरफ से इसको 5-5 सेकेंड या 10-10 सेकेंड के लिए टोस्ट करें। ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना है वरना तब हम ब्रेड को रोल करेंगे तो वो थोड़ी सी फट जाएगी। और अब देखिए, इस तरीके से हम इसके अंदर फिलिंग डालेंगे एक तरफ पर और इसे हल्के हाथों से रोल करना स्टार्ट कीजिएगा। अब एक साइड पे जो ये खाली है उधर हमने थोड़ा सा पानी लगाया है ताकि जो ब्रेड है वो थोड़ी सी सॉगी हो जाए और तब हम इसको रोल करें तो वो अच्छे से दूसरे साइड पे स्टिक हो जाए। और जो दोनों एंड्स हैं वो हम ओपन रखेंगे क्योंकि हम इन्हें अवन में बेक करेंगे तो जो स्टफिंग है वो थोड़ी सी बाहर की तरफ मूव करती है। और इसी तरीके से हम सारे के सारे ये जो ब्रेड रोल्स हैं वो हम तैयार कर लेंगे। इस रेसिपी मैंने तवा के ऊपर भी दिखाया है कि हम किस तरीके से ब्रेड रोल्स बनाएंगे, तो जिनके पास अवन नहीं है वो उस रेसिपी का यूज़ कर सकते हैं। और देखिए, जिस पे हमने
अपनी टॉपिंग्स डाली थी जिस ब्रेड रोल पे, उसको भी हमने फिल कर लिया है और सारा जो मसाला था वो हमारा ख़त्म हो गया है। और अब एक बेकिंग ट्रे लीजिए, उसको हमें ग्रीस करने की कोई ज़रूरत नहीं है या कुछ भी बटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, और उसके ऊपर हम इन सारे के सारे ये जो ब्रेड रोल्स हमने तैयार करे हैं उनको हम रख देंगे। मेरी बेकिंग ट्रे का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है तो मैंने इसके अंदर एक बार में 8 करे हैं। आप अपने बेकिंग ट्रे के हिसाब से ब्रेड रोल्स को रखिएगा। और अब हम इसको अवन के अंदर डालेंगे। अवन का टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस है और अब हम इनको 10 से 12 मिनट तक बेक होने देंगे। और बीच में अगर आप एक बार इसे लाइटली ऑयल से ग्रीस करना चाहें तो ग्रीस कर सकते हैं। और तवा मेथड के लिए हम थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे, ज़्यादा ऑयल नहीं रखना है, बिल्कुल थोड़ा सा रखना है। और इसको इस तरीके से फ्लिप करते हुए जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तो हम इसको रोल करते रहेंगे और इसे इसी तरीके से सेकते रहेंगे। जो भी कलर आपको पसंद हो, गोल्डन ब्राउन या डार्क गोल्डन ब्राउन, आप तब तक इसे सेकिए। और थोड़ा सा इसको तेल से हम ग्रीस करेंगे हल्का सा, और उसके बाद अब ये पक जाए तो हम इसे निकाल लेंगे। और साथ ही हमारा जो ये अवन के अंदर बेक हो रहे थे, 10 से 12 मिनट के बाद मैंने इसे बाहर निकाला है और देखिए इस तरीके से गोल्डन ब्राउन होकर बाहर निकले हैं। और अब है कि इस रेसिपी को हमें स्पाइस्ड अप अगर करना है तो आप एवोकेडो और पनीर के मिक्सचर के अंदर टोबैस्को या पेरी पेरी हॉट फ्लेवर सॉस मिलाएं, उसे अच्छे से मिक्स करें और इस रेसिपी को यूज़ करें। अगर आपको इस रेसिपी में इंडियन फ्लेवर नहीं चाहिए तो जो टोमेटोज़ मैंने क्यूमिन के साथ टेम्पर करे थे आप उन्हें ना करें। टमाटर को कच्चा ही आप एवोकेडो और पनीर मिक्सचर के अंदर डालें ग्रीन चिलीज़ के साथ, और इस रेसिपी में आप क्यूमिन सीड्स का यूज़ ना करें। और ये थी वो रेसिपी जो कि मैंने थोड़ा सा इनोवेटिवली क्रिएट करने की कोशिश करी थी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज हिट लाइक बटन और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ऐसी ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग रेसिपीज देखने के लिए। और हम मिलेंगे एक अगले एपिसोड में नई रेसिपी के साथ। बाय बाय। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीपिका खेरीज।